काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि दीदी आपके गले में से अचानक तुलसी की माला कहाँ चली गई, आपके गले की तुलसी की माला कहाँ गई, और अगर आपकी तुलसी की माला दोबारा क्यों नहीं पहनी, उतार क्यों दी, क्या रीजन है। तो जो मेरे गले में तुलसी की माला थी, मैं इस समय पे दिल्ली गाजियाबाद में हूँ, मेरे भाई की शादी है तो मैं दिल्ली में थी और अभी अपने गाजियाबाद में आ गई हूँ। तो मेरे गले में जो तुलसी की माला थी वो खंडित हो गई है, अचानक से टूट गई है। मैं शुभ दिन का और माला का इंतजार कर रही हूँ, मेरे घर पे समय पे तुलसी माला अवेलेबल नहीं है, और जो खंडित हो गई है उसको मैंने तुलसी जी के गमले के गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया है। आप लोग भी ऐसे कीजिए, अगर आपकी तुलसी की माला खंडित हो जाती है तो आप किसी भी पेड़ पे गड्ढा करके देव वृक्ष, जो सात देव वृक्ष होते हैं, उसमें गड्ढा करके उसमें गाड़ दीजिए या फिर उसमें रख दीजिए। तो मेरी जो तुलसी की माला खंडित हो गई थी तो वो मैंने तुलसी पे गड्ढा करके, तुलसी माता पे ही, और गड्ढा करके उस पे गाड़ दिया है तुलसी माला। नई तुलसी की माला जैसी मेरा वृंदावन बिहारी जी जाना होगा या फिर मेरे परिवार में से कोई वृंदावन बिहारी जी जाएगा तो मैं नई तुलसी की माला जरूर लेके आऊंगी और उचित समय देखकर उस तुलसी की माला को धारण करूंगी, क्योंकि बिना तुलसी की माला के मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि लगातार 5 से 6 वर्ष हो गए हैं मेरे गले में तुलसी की माला है। एक टूटती है, दूसरी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। इनफैक्ट तुलसी की माला की अगर मैं सत्य घटना आप लोगों को बताऊं तो मेरे साथ एक इतनी बड़ी घटना होने से उस तुलसी की माला ने बचाया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। चलो मैं बता देती हूं उस घटना के बारे में। एक बार की बात है, मैं वृंदावन की, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी। मेरे गले में एक सोने की चैन थी, एक तुलसी माला थी। श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते करते मैं और मेरे हस्बैंड थे, मेरे हाथ में मंत्र माला भी थी, मैं आराम से मंत्र माला में मंत्र जपते हुए जा रही थी और श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी। बाइक पे दो लड़के आते हैं, अचानक से उन्होंने पीछे से, मेरी पीछे से बैक साइड से उन्होंने कुछ खींचा, मुझे लगा कि बंदर है क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में बहुत बंदर है। मैं पीछे मुड़ के बस मैंने इतना बोल पाया क्या क्या क्या, इतने में तो वो एक चीज मेरे गले से खींच के ले गए। अब आपको पता है कि वो चैन खींच के डेफिनेटली बात है ले गए होंगे, क्योंकि उनको उन्होंने देख लिया था कि मेरे गले में गोल्ड की चैन है तो वो चैन खींच के ले गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद, मतलब ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा था कि वो चैन खींच के ले गए, तो थोड़ा सा आगे दे जाने के उन्होंने उसको ऐसे करके देखा तो जो मेरे गले में तुलसी की माला थी वो उनके हाथ में थी और जो मेरे गले में चैन थी वो अंदर चली गई थी, मतलब मेरे यहाँ तक गिर गई थी। तो सोचिए कि जो मेरे गले में तुलसी की माला थी वो तोड़ के ले गए चैन के जगह। तुलसी माला ने इतना सारा नुकसान होने से हमारा बचाया। जब उन्होंने थोड़ा सा दूर जाके देखा कि अरे ये तुलसी माला आ गई, तो उन्होंने फिर ऐसे करके फेंका, वो चीज हमें दिखाई दे रही थी। आप सोचिए तुलसी माला के कितने सारे फायदे हैं, और तुलसी माता कभी भी आपका बुरा नहीं होने देती है, जैसे मेरा नहीं होने दिया था। और इस समय पे मेरी तुलसी माला खंडित हो गई है, मैं उसको सच्ची में मिस कर रही हूँ। वैसे तो मेरे घर पे हमेशा ही तुलसी माला एक दो एक्स्ट्रा रहती हैं, लेकिन अभी कुछ त्योहार आया था उसमें मैंने तुलसी की माला किसी को दी थी, कुछ त्योहार आया था तो कुछ तुलसी की माला मेरे घर पे जो एक्स्ट्रा रखी हुई थी वो मैंने किसी को ऐसे दी थी। तुलसी की माला देने का अपना एक पुण्य होता है तो वो मैंने दे दी थी। इस वजह से इस समय मेरे पास तुलसी की माला नहीं है और इस वजह से ही मेरा जो गर्दन है वो खाली आपको दिख रही होगी और बहुत सुनी सुनी सी दिख रही होगी। मुझे भी बहुत अजीब और अजीब लग रहा है। तो ये आपके सवाल का जवाब था कि मेरे गले की जो तुलसी माला है वो कहाँ गई। वो मेरे गले की तुलसी माला अचानक से खंडित हो गई है, तो मैं जल्दी ही दूसरी तुलसी माला लेके आऊंगी और उसको धारण करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।